आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ऐसा गैजेट जो आपका घर साफ करेगा, और रोबो वैक्यूम क्लीनर। ये है मिलाग्रो रेडहॉक 21। इस वीडियो में हम इसके फीचर्स देखेंगे, मैं आपको इसे असेंबल कैसे करते हैं ये बताऊंगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्लीनिंग डेमो भी दूंगी जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपको रोबो वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वेलकम टू शिड्यूअर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। पैंडेमिक में बाय को तो टाटा बाय बोल दिया, अब रोज झाड़ू पोछा करके हम सब थक गए। तो जब मैंने ये देखा, आई न्यू आई हैड टू बाय वन। अब मेरे दिन के 2 घंटे बच जाते हैं, और जब घर खुद से क्लीन हो रहा है तो मैं अपना दूसरा काम कर पा रही हूँ। ये वर्किंग कपल्स के लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है। रेडहॉक 21 मिलाग्रो ह्यूमन टेक का सबसे बेस मॉडल है, विच कम्स विद अ मॉपिंग फीचर। आज के डेट में आपको ये करीबन 21,000 से 22,000 के बीच में मिल जाएगा। इसके साथ आपको रोबोट की 1 साल की वारंटी और सक्शन मोटर की 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आपको चेकआउट करना है तो। मिलाग्रो एक मेड इन इंडिया कंपनी है, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स एंड फिल्टर्स खरीदने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, आप उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज दैट दिस इज अ रोबोट एंड नॉट अ ह्यूमन। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे। मैंने ये बेस मॉडल इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने पहले कभी रोबोट यूज नहीं किया था। आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि ये साफ कर पाएगा, स्पेशली जो घर के कॉर्नर्स होते हैं वो कितने साफ होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि बाइक को रिप्लेस कर पाएगा क्या। इसीलिए मैंने 20,000 का बजट रखा। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने मिलाग्रो रेडहॉक 21 चूज किया। मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि पहले आप बेस मॉडल ट्राई करें, कौन सी भी ब्रांड का, देखें कि आप कितने कंफर्टेबल हो, एंड फिर अपग्रेड करें बेस्ड ऑन योर बजट। अगर बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो आपको मिलाग्रो की ही सेल्फ क्लीनिंग सेल्फ नेविगेटिंग मॉडल्स मिल जाएंगे। दूसरे भी अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे कि आई रोबोट रूम्बा, जिसमें सेल्फ डर्ट डिस्पोजल एंड पावर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, या फिर यूफी या MI के रोबो वैक्यूम क्लीनर्स है जो काफी पावरफुल है इन द रेंज ऑफ 30,000 to 40,000 रुपीज। कमिंग बैक टू मिलाग्रो रेडहॉक 21, लेट्स अनबॉक्स टू सी ऑल द फीचर्स एंड एक्सेसरीज। तो बॉक्स में हमें मिलता है एक डिटेल मैनुअल, एक चार्जिंग डॉक, एक पावर अडैप्टर, एक क्यूट हैंड शेप क्लीनिंग ब्रश जो ट्रैप्ड हेयर निकालने में काफी काम आएगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप, होस्ट मशीन, वाटर टैंक, इसके साथ 2 मॉप्स मिलते हैं, एंड एक स्पेयर फिल्टर मिलेगा अलॉन्ग विथ एजेस क्लीप करने वाले ब्रिसल्स। डिजाइन वाइज अगर देखने जाए तो काफी स्लीक मॉडल है, फास्टेस्ट एंड लाइटेस्ट इन देयर रेंज अकॉर्डिंग टू मिलाग्रो। देर आर 2 कलर ऑप्शन, ब्लैक कैट एंड रेड हॉक, बट इसके ग्लॉसी फिनिश होने से इसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। यूजबिलिटी वाइज अगर आप इसको देखें तो काफ़ी सिंपल इजी टू यूज डिज़ाइन रखा है इन्होंने। फ्रंट पैनल में सिर्फ 3 कंट्रोल बटन्स रखे हैं, ऑन एंड ऑफ बटन, डस्ट बॉक्स इजेक्ट करने वाला बटन एंड होम बटन। साइज कंपेयर करने जाए तो ये 1 लीटर के बॉटल जितना बड़ा है, कॉम्पैक्ट है एंड डिसेंट वेट है। इसका मेन पावर स्विच साइड में है। बैक पैनल में आपको रिप्लेसेबल बैटरी बॉक्स मिलेगी, मिडिल स्वीपिंग ब्रश है, फ्लोर इंस्पेक्शन सेंसर्स है, चार्जिंग पोल पीसेस है एंड डस्ट बॉक्स जिसमें फिल्टर प्री इंस्टॉल मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। रेडहॉक 21 गायरो मैपिंग टेक्नोलॉजी पे चलती है, जिसमें 18 सेंसर्स होते हैं, और इसमें HEPA 12 फिल्टर्स है जो घर के एयर को भी प्योरीफाई करेंगे। इसको यूज करने के लिए आपको स्मार्ट लाइफ ऐप या फिर टूया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऑन प्ले स्टोर, जिससे आप रियल टाइम लाइव मैपिंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ क्लीन कर चुका है, कहाँ बाकी है। आफ्टर रेगुलर यूज ये खुद से वही रूट फॉलो करेगा, आपको ज्यादा मैन्युअली इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉयज, पेंस, सॉक्स, वायर्स उठाने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ एरियाज मैन्युअली ब्लॉक करने हैं, जैसे कि बालकनी हो या स्टोर रूम हो या फिर कारपेट, आप मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं टू ब्लॉक। एक पॉइंट जो हमने नोटिस की है कि अगर आपके घर के कर्टन फ्लोर लेंथ है, वो ये रोबो वैक्यूम क्लीनर ऑब्स्ट्रक्शन मान लेगा और वो एरिया क्लीन नहीं कर पाएगा। आपको कर्टन मैन्युअली हटाने पड़ेंगे ताकि वो एरिया क्लीन हो जाए। इसमें 4 टाइप के क्लीनिंग मोड्स आते हैं,
स्मार्ट मोड जिसमें वो एस शेप में क्लीन करता रहेगा, स्पाइरल मोड जो स्पॉट क्लीनिंग के लिए यूजफुल है, वॉल फॉलो मोड जो रूम के एजेस क्लीन करने में काम आता है, एंड मैनुअल मोड जिसमें आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी लाइफ एंड क्लीनिंग टाइम की बात करें तो ये 110 मिनट्स का क्लीनिंग टाइम देता है। इसमें आसानी से एक 2 BHK साफ हो जाएगा। फॉर अ बिगर हाउस आपको 2 राउंड्स करने पड़ेंगे। इसमें आपको शेड्यूलिंग फीचर मिलता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोज सुबह 10 बजे ये खुद से अपना काम शुरू करें। ध्यान रखें कि आपको चार्जिंग डॉक एंड मशीन ऑन रखना है, वरना वो शेड्यूलर नहीं काम करेगा। अब बात करते हैं सक्शन पावर की। इस बजट में काफ़ी डिसेंट सक्शन पावर है इसका। इसे आप रोज़ या एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपका घर डस्ट फ्री रहेगा और आपको ये क्लियरली फर्क समझ में आएगा। बट अगर हफ्ते में एक बार करेंगे तो वो पूरे हफ्ते की जो धूल मिट्टी साफ करनी होती है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मॉपिंग इसका इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे, वेरी बेसिक। अगर आप ज़िद्दी दाग निकालना चाहते हैं और डीप क्लीनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो ये बेस मॉडल नहीं कर पाएगा। वाटर टैंक इसका 110 ml का है, जो ऑनेस्टली कम लगा मुझे। मेरे 2000 स्क्वायर फीट के घर में करीबन एक बार मुझे रीफिल करना पड़ता है। सरफेस क्लीनिंग की बात करें तो मैंने इसे वुडन फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग एंड कारपेट पे यूज़ किया है, तो काफ़ी डिसेंट क्लीनिंग कर लेता है। सोफ़ा के नीचे कॉर्नर्स में अच्छी खासी क्लीनिंग हो जाती है। इसके ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर्स बढ़िया है। इसमें फॉल डिटेक्शन सेंसर्स भी है, जो हमने हमारे डाइनिंग टेबल पे टेस्ट किया ताकि आपको दिखा सके। काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। नॉइज़ लेवल्स एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे क्लीन करना कितना मुश्किल है। मुझे तो क्लीनिंग फेयरली सिंपल लगी। इसमें डस्ट बॉक्स, मिडिल स्वीप ब्रश एंड मॉप आर वॉशेबल। कंपनी रेकमेंड करती है क्लीनिंग इट एवरी वीक, पर डिपेंड करता है आपके घर में कितनी धूल मिट्टी आती है। डस्ट बॉक्स एंड मॉप तो मैं डेली क्लीन करती हूँ। स्वीप ब्रश आप एवरी 3-4 डेज में क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद ध्यान रखें कि सारे पार्ट्स पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद ही आप यूज़ करें। पहले तो हम इसमें मिडिल स्वीपिंग ब्रश लगाते हैं जिसको एक कवर है, काफ़ी ईजिली असेंबल हो जाता है। डस्ट बॉक्स के अंदर ये हेपा 12 फिल्टर्स लगाने हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो ये फिल्टर ईजिली पेट हेयर एंड छोटे छोटे पोलन्स कलेक्ट कर लेता है। डस्ट बॉक्स आसानी से स्लाइड होके अटैच हो जाता है। इसके बाद हम इस पर वेट मॉपिंग वाटर टैंक लगाएंगे। वाटर टैंक का ये जो रबर फ्लैप है इसको ओपन करेंगे और इसमें पानी फिल करेंगे। इसके ऊपर ये माइक्रोफाइबर मॉप जो है उसको वेलक्रो से अटैच कर देंगे। नाउ योर रोबो वैक्यूम क्लीनर इज रेडी टू बी यूज्ड। क्लीनिंग करते वक्त ये खुद से लो बैटरी इंडिकेटर दिखा देता है। अगर चार्जिंग डॉक सेम रूम में स्विच्ड ऑन है तो ये सेल्फ डॉकिंग एंड चार्जिंग कर पाएगा, बट अगर चार्जिंग डॉक दूसरे रूम में है तो इसे थोड़ी दिक्कत आती है ढूंढने में। ये घूम फिर के चार्जिंग डॉक तक आता है। इट्स टाइम फॉर शिव्यूअर वर्डिक्ट। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, और अगर आपको ये 20,000 में मिल जाता है तो ये एक डिसेंट बाय है। इसका वेट मॉपिंग फीचर अच्छा हो सकता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।